सरवण सिंह पंधेर अज कौमी इंसाफ मोर्चा मोहाली तो थोड़े नाल गल कर रहा। तुसीं वेखो मतावां पैणा दा हज़ारां किसानां मजदूरां किलोमीटर लंबिया लाइनों का अज जथा दूजे दिन कौमी इंसाफ मोर्चे की हमायत में पंडाल दे विच शामिल हुंदा रहा। उही मंगा ने भी जिन्हां ने सजावां पूरियां कर लियां भारत भर च कोई भी किसी धर्म किसी जात नाल संबंधित होवे पंजाब दे विच बंदी सिंघां दी रिहाई जिहड़ी आ उह मोदी सरकार करे बाइबल कलां ते बरगाड़ी कांड दा इंसाफ दिता जाए। ये मंगा दी हमायत विचों अज दूजा दिन हो गया इसे जथे दे विच पहुंचिया होया और असीं मोदी सरकार नूं कहना चाहांगे भी ये कौमी इंसाफ मोर्चे की लीडरशिप ना गलबात करके डायलॉग दे रही जिहड़े आ मसले विचार के इन्हां दा हल कीता जाए। दूसरा प्रधानमंत्री जी का कल बयान आया भी लोगों के दिल जितने चाहिए आ वोटां वास्ते नहीं, असल में लोगों के दिल जितने की गल भी वोटां च आके हुंदी आ। जो तक वोटां ने उदों तक लोगों के दिल जितते जाने ने, नहीं तो फिर सारा देश जिहड़ा पूंजीपतियां दे हवाले करदा सारे आर्थिक सोमे वेचे जाने ने। और मोदी जी नूं वादा याद रखना चाहिए किसानां मजदूरां दा दिल जितना, तो MSP गरंटी कानून बना दिओ, सारे केस बाय वापस लै लियो, तो जिहड़े अजय मिश्रा टैणी जी आ जिहड़े थोड़े मंत्री मंडल च बैठे आ उन्हां नूं जेल च सुट दिओ। इहदे नाल नाल जिहड़ा पंजाब दे विच बेमौसमी बार करके मंडियां विच कणक वेचण दी वड्डी दिक्कत आ रही हैगी आ, तो ये तो खराबे का कम जिहड़े मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं भी 60% सिरे लग गया साढ़े हिसाब ना, ये ठीक नहीं है तत्तों नूं तो बहुत घट पद्धर ते पिंडां विच पटवारी जिहड़े गरदौरियां करन गए आ। इस मोर्चे तो भी मांग करते भी गरदौरियां करके मुआवजा तुरंत दिता जाए। तो आने वाले समय में होर अंदोलन तेज़ करांगे। अज तुहाडे नाल मोहाली मोर्चे चों चर्चा करते हुए धन्यवाद।